गुड मॉर्निंग, आज मैं काफ़ी लेट से उठी हूँ। इट्स ऑलमोस्ट 11:30। तो आज जिम तो जाना नहीं था, जिम तो ऑफ है, तो आज सोचा लेट से ही उठती हूँ। बाकी अभी मुझे वे की जिम्मेदारी मिली है, वे रो रहा है कि मैं उसे गोदी ले लूँ और वो सारी बातें सुन रहा है। बट अभी तो मम्मी भाभी लोग किचन में है, मैं काम कर रही हूँ। तो इफ मैं घर पर रहती हूँ तो मुझे ले रही हूँ वीर, मुझे घर पर वीर और राजवीर को लेना ही पड़ता है। और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल मैं आपको बता रही हूँ कि इफ मैं घर पर हूँ तो मेरी ड्यूटी है ये। और बाकी हाँ, जिम तो बंद है आज। आज मैं कुछ स्पेशल बनाती हूँ, देखती हूँ मैं जाती हूँ तो क्या बनाती हूँ। और तो मुझे पेटिंग मिली थी 7 बजे, जो कि मैंने छोड़ दी थी क्योंकि इतनी जल्दी मुझसे उठा नहीं। शट अप वीर, शट अप। हम लोग फारा बना रहे हैं। आई डोंट नो आपके यहाँ ये क्या बोला जाता है, बट हमारे बनारस में तो इसको फारा कहते हैं। और क्या कहते हैं भाभी? गोइठा, आई डोंट नो, बट हम लोग हमारे घर फारा बोलते हैं। ये है मामा किसका आटा? बाजरे का आटा। और ये जो फिलिंग होती है वो किसकी होती है? मूंग उड़द की दाल और मटर। ये खाने में बहुत यम्मी होता है, बहुत 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 यम्मी होता है। और इसे आप मीठी चटनी, खट्टी चटनी, और इफ़ यू वांट आप गोभी मटर वो जो होती है ना मिक्स वेज, आप उसके साथ भी खा सकते हो। वो साइड के लिए होता है, बट ये बेसिकली चटनी के साथ खाई जाती है। ये बहुत यम्मी। और हाँ, इसे हम लोग पानी, ये घी में ना तलते हैं ना कुछ नहीं, ये पानी नॉर्मल, ये पानी हम लोग लेते हैं। पानी में क्या डालते हैं? हींग का तड़का और जीरा और नमक। और इस डो में नमक नहीं होता है, सॉरी मैं छू रही हूँ, इस डो में नमक नहीं होता है क्योंकि ये बहुत स्मूथ हो जाएगा इसमें सिर्फ पानी निकलेगा तो, इसलिए। और गाइस, इसमें हींग ज़रूर डालिएगा, वो टेस्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। एंड ये मम्मा बना रही है मीठी चटनी, वही मीठी वाली, टमाटर गुड़ जो भी मम्मी के स्पेशल इंग्रेडिएंट्स होते होंगे वो डालती हूँ। बस माँ के हाथ का खाना इज़ द बेस्ट एंड बेस्ट, सबके माँ के हाथ का खाना बेस्ट होता है, बट माँ के हाथ का खाना इज़ बेस्ट। मेरा वीर हो गया रिपब्लिक डे रेडी, तैयार हुआ है भाभी, मतलब भाभी ने किया है तैयार। ये इनके हाइलाइट्स देख के आप पूछेंगे क्या इन्होंने हाइलाइट्स कराया? ओहो मेरा वीर, सी हाउ इज पोजिंग। ये वीर का कपड़ा, आई मीन राजीव वीर का कपड़ा, राघव का कपड़ा। ये दूध पी लेंगे अपना फिनिश। दूध तो नहीं है, पता नहीं मॉम का हैंड क्या है, होममेड सेलेक्ट जो भी है। ओके ठीक है, नहीं ले रही हूँ। राजवीर, वो भाभी पीछे छिपी हुई है क्यों, वो आए ना, बट इन दोनों के बीच में तो आई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं कि भाभी ना आ पाए। राजवीर, वीर वीर कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे सब, ऑल दो दे आर एंजॉइंग। दोनों मेरे बेबी कितने क्यूट लग रहे हैं ना दोनों, थू 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 थू, मेरे बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं। भाभी आप आ रही हैं, आप मत छिपिए। ये फारा बन के रेडी हो गया, मतलब ये ऐसा भी, इसको हम लोग चटनी के साथ खाते हैं, लाइक मीठी चटनी एंड ग्रीन वाली चटनी, जो कि मैं ऐसे लाई हूँ बट कटोरी में साइड पे रखा हुआ है। बट मैं आपको इसकी फिनिशिंग दिखा रही हूँ कि ये ऐसा होता है। गाइज आपको पता नहीं ये दिख रहा होगा कि नहीं, बट ये सच में बहुत ही यम्मी होता है, बहुत यम्मी होता है, बहुत यम्मी होता है। मेरे मुँह में तो पानी आ रहा है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करना, और सच में बहुत यम्मी होता है। और इसके आप इसको मैं पूरा मैं नहीं खाने वाली हूँ, मैं बोलती हूँ ना कि मैं और मम्मा साथ में खाते हैं, तो ये हम दोनों का है। अब ठीक है मैं जा रही हूँ खाने, मुझसे तो अब नहीं रुका जाना। टाटा, मुझसे लड़ाई करके गई है, बट
चली गई है। बाकी मैं कुछ रिकॉर्ड तो आज कर नहीं पाई क्योंकि आज मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। और अभी फ़िलहाल मैं ये जा रही हूँ ये महाभृंगराज ऑयल लगाने, आधा लगा चुकी हूँ। ये हम लोग एक बार शिरडी गए थे लास्ट के लास्ट ईयर, तो हम लोग वहाँ से लेकर आए थे। और तो यहाँ कहीं भी आपको मिलता है, बट यहाँ पे कुछ ना इसमें कुछ हर्ब्स वगैरह मिलाए थे, उसने बोला था जिससे बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो अब हम काफ़ी टाइम से लगा रहे हैं, तो अब देखते हैं। हाँ थोड़ा इफेक्ट तो है बट स्टिल। तो मतलब मेरा ये बताने का मतलब है कि अभी तो मैं वही यूज़ करती हूँ। हाँ मतलब ख़त्म हो जाता है तो उसमें आई एड सम मतलब ऑयल अलग से, तो इसलिए। बाकी भाभी गई अपने रूम में, अब वो आती हैं तो मैं आपको बताती हूँ।